Amit, welcome to Catch Up Talks on Social Catch Up. It's so nice to be talking to you today. How are you doing? I'm doing well. You know, chalo koi baat nahi. It's soon coming on Sony Live. I just watched the trailer. It looks very interesting. Can you tell me how excited, nervous you are that it's coming out and what went into creating this show? I am very excited and very nervous because this is the... For me, it's my first OTT show as a creator and a writer. अभी तक as a stand-up comedian काम किया है, as a performer काम किया है, but to create a show from, you know, from scratch and then see it growing with a team of 70, 80, 100 people working on it. एक director आ रहा है, producer आ रहा है, you know, actors आ रहे हैं हर तरीके के. तो it's very fulfilling. And now really very nervous about ki logon ko kaisa lagta hai. That's great. You know, ek satire based show hai ye. So, since we know that there's a lot that we have to be careful about when creating comedy, especially in these days. So, was there something that y'all had to keep in mind? Yeah, y'all have gone all out, you know, putting what you wanted to. हमें बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं हुए क्योंकि जो टॉपिक्स हम उठा रहे हैं उनमें कुछ ऐसा हम इतना एक्सट्रीम कुछ बोल नहीं रहे थे और लैंग्वेज वाइज वैसे भी यू नो इवन व्हेन आई हैव रिटन स्टैंड अप आई हैव नेवर रियली यूज्ड एनी कर्स वर्ड्स सो वो कोई चैलेंज उस तरीके का बहुत ज्यादा आया नहीं क्योंकि इस शो में हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम है या सिस्टम का ये प्रॉब्लम है You know, we are not pointing fingers at others, but we are pointing fingers at ourselves. Jise agar aap, if I have to give you a reference, jaise Jaspal Bhatti sir ke show mein, wo sirf government ka mazak nahi udate the, ya government mein khamiyan nahi nikalte the. Wo logon ka bhi bolte the ki, dekhiye, hum bhi sare kahin na kahin thoda karapt hain, ya kahin na kahin kuch jhoot bolte hain, ya kuch galat karte hain. To humne wahi zone pakda hai. To utna challenge nahi aaya ke in terms of कि हम ये नहीं कह सकते या वो नहीं कह सकते। Okay, and you know काफी actors हैं इसमें, तो did you all handpick who you wanted to work with? How did this sort of collaboration come together? उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे आप? थोड़ा handpicking था और थोड़ा किस्मत अच्छी थी कुछ केसेस में क्योंकि हुआ क्या कि most of the shooting happened during COVID times, so you know जब पहले थोड़ा फ्रीडम था शूट करने का गवर्नमेंट गाइडलाइंस में पहले उसमें शूट किया फिर बाद में तो दोनों बार ये था कि कुछ डेट्स का तो इश्यू रहता था हमारे दिमाग में जैसे था कि हमें रणवीर और विनय को साथ लाना है वो हमारे लिए काफी था कि वेल नोन है जिनको लोगों ने बहुत सालों से इकट्ठे नहीं देखा है तो लेट्स गेट देम टुगेदर वो एक मेजर था जो हम अचीव कर पाए फॉर्चुनेटली हालांकि पहले विनय रणवीर को कोविड भी हुआ फिर उनका पैर भी टूटा बट फॉर्चुनेटली somehow we're still able to manage yeah it was meant to be looks like और कुछ लोगों का ये था कि अब जैसे अतुल खत्री और अभीश मैथ्यू हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनसे हमने वैसे बोलकर काम करवा लिया एंड कविता कौशिक एक बहुत मतलब अच्छा भी रहा और खराब भी रहा अच्छा इस सेंस में रहा कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने बहुत ही अलग लेवल पर लेके गई खराब इसलिए रहा क्योंकि हमने उनको सिर्फ एक स्केच में यूज किया है oh, no. क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि हम क्योंकि हमने उनको देखा था मैं बहुत बड़ा फैन था FIR करके एक शो आता बट ऑनेस्टली उतना रेंज नहीं देखा था जो उन्होंने हमें शूट के टाइम दिखा दिया और उस टाइम हमको ये बहुत अफसोस हुआ कि यार हमारा कुछ दो तीन और डेट्स मैच कर जाती और हम कहीं और इनको यूज कर पाते वो थोड़ा हुआ बट बाकी और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया तो आप अगर देखेंगे तो विभा मैम ने करे हैं दो तीन स्केचेस हमारे साथ एक अशोक पाठक करके बहुत अच्छे एक्टर है जिनको आपने कभी कभी देखा हुआ फुकरे मूवी में थे और कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म के शोज करे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने तो अलग अलग जगह से जैसे इकट्ठे होते गए तो ओवरऑल हमारे लिए अच्छा बन गया पर चैलेंज ये होता था कि 24 अलग स्केचेस के लिए हमें 24 अलग सेटअप्स 24 अलग बार हमें कास्टिंग करनी पड़ी
मूवी में तो जैसे आपने हीरो हीरोइन और 6 कैरेक्टर कर लिए वही पूरी 3 घंटे की, यहाँ हर 5 मिनट के बाद आपको नए कैरेक्टर्स और नया कास्टिंग दिखता है, तो वो थोड़ा चैलेंज रहा था, बट फॉर्चुनेटली अच्छे एक्टर्स मिल गए एंड हो गया वो. दैट्स इनक्रेडिबल. और मुझे, मैं वही पूछने वाली थी, यू नो हाउ वाज इट वाचिंग विनय एंड रणवीर वर्किंग टुगेदर, क्योंकि ऑडियंसेस को तो मतलब जो जानते हैं उन्होंने काफी शोज होस्ट किए हैं साथ में, तो उनकी एक इनक्रेडिबल केमिस्ट्री है. तो जब आप, व्हेन दिस वाज हैपनिंग, व्हेन यू ऑल वर क्रिएटिंग, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस इफ यू कैन टेल मी. काफी मजा आया हमें था कि अभी मतलब जैसे नरेशन थी तो इनिशियली विनय के घर पे थी, विनय पाठक उनके घर पे थी और वहां जब हम गए तो आई थिंक 15-20 मिनट ही आई थिंक हुए थे जब विनय और रणवीर ने रीडिंग करनी शुरू करी एंड यू कुड सी कि केमिस्ट्री बननी शुरू हो गई है वापस. जब वो वापस आए तो जो स्टेज पे किया वो अलग, उसके बाद ग्रीन रूम में जो होता था वो और भी अलग ही मस्ती होती थी. और हुआ क्या कि फिर हमें आइडिया आया कि हम सुरेश सर को भी यूज कर सकते हैं, सुरेश मेनन को जी. तो फिर हमने एक दो स्केचेस उनके साथ किए जो जिसमें विनय और रणवीर भी हैं और ये भी हैं और इन्होंने ग्रेट इंडियन कॉमेडी चैलेंज आज से 20 साल पहले इकट्ठे किया हुआ, तो उन्होंने कुछ चीजें ऐसी क्रिएट करी जो बहुत ही बढ़िया निकल के आई, तो बहुत मजा आया उनके साथ. That's great. तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑडियंसेस को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस शो से, तो वो क्या होगा? ऑडियंस को एक आई वुड से कि आज की डेट में जो थोड़ा कम दिखता है, एक फैमिली शो है ये, सो यू नो यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली, सो लैंग्वेज वाइज इट्स वेरी क्लीन. एक ऐसा शो जिसमें जिसको आप हल्के हल्के स्माइल करते करते देख पाएंगे, शायद आप एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी अपनी फैमिली की तरफ, अरे ये तो रोज होता है हमारे साथ, यू नो ये वो वाले जोन का शो है जहाँ आप हर 5 मिनट बाद एक कहानी बदलेगी, कुछ ना कुछ नया आएगा और ज्यादातर चीजें ऐसी आएंगी जो आप जी चुके हैं या आपने अपने आसपास देखी. ओके ग्रेट. और अगर मैं आपका फेवरेट एक्टर या कैरेक्टर फ्रॉम दिस एंटायर थिंग जो आप लोग ने क्रिएट किया है वो पूछूं, तो कौन होगा? कैन यू पिक? ओके अमेजिंग, आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. और एक अगर मैं पूछूं कि द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट या यू नो कुछ ऐसा इंसिडेंट जो एकदम वो एक्सपीरियंस यू विल नेवर फॉरगेट व्हाइल क्रिएटिंग दिस, तो वो क्या होगा? मेमोरेबल आई थिंक मेरे लिए वही था जब मैं पहली बार शूट पे पहुंचा था, क्योंकि मैंने एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन काम किया है जिसमें मैं खुद ही परफॉर्म कर रहा हूं, खुद ही एक्ट कर रहा हूं, खुद ही लिख रहा हूं, बट पहली बार जब मैंने देखा कि जितने इलैबोरेट सेट्स और वो सब लगा के एक विजन जो मैंने क्रिएट करा खंबा के साथ बैठ के और उसमें इतने लोगों को काम करते हुए मेहनत करते हुए देखा, तो वो मेरे लिए बहुत एक मेमोरेबल मोमेंट रहा कि इतने लोग तुम्हारे विजन पे काम करके उसको यू नो एक शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स ग्रेट. तो डू यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस गोइंग फॉरवर्ड आल्सो? हाँ मजा आया, बाकी रिलीज के बाद पता चलेगा. I'm sure, मतलब ट्रेलर तो काफी अच्छा लग रहा है, it's looking fabulous. And like I said, कितने सारे टैलेंटेड लोगों को आपने, you know, yourself included, आप एक साथ आए हो और ये शो बनाया है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर इट्स गोइंग टू कम आउट ग्रेट. और ये सोनी लिव पे आने वाला है, तो what do you think about OTT platforms, you know, giving shows like this a chance? If you can tell me थोड़ा जब हमने उनको ये पिच किया था तो ऐसा नहीं था कि हमने सारी स्टोरी लाइन लिखी हुई थी, हमने उनको बताया कि ये हमारा आइडिया है हम, और हमने कुछ एग्जाम्पल में स्केचेस उनको सुनाए कि हम ये कर सकते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, एंड उसी पे उन्होंने ग्रीनलिट किया प्रोजेक्ट. तो मतलब they had put a lot of faith just in me and Khamba at that time. It was all, मतलब ऐसा नहीं था कि already कोई director है या हमने actor sign कर लिए, कुछ भी ऐसा नहीं था, पर उस stage पे जो faith Sony Live ने दिखाया was very heartening कि उन्होंने कहा कि हाँ हम ये show करना चाहते हैं, and there was very less interference in the entire creative process, hardly कुछ था कि That's great. That's always great to hear. So, Amit, मुझे ये भी पूछना है कि Sony Live का ना काफी shows आए हैं, which have done really well. You must know that in like in the recent past, Sony back to back. हाँ, महारानी.
जी जी तो थोड़ा स्ट्रेस प्रेशर था या वो एक्साइटमेंट था कि यू आर वर्किंग विद यू नो दैट कैलिबर एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म? नहीं, स्ट्रेस नहीं था, हाँ वही खुशी थी कि हाँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसने ऑलरेडी कुछ ऐसे शोज दिए हैं जिससे बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं इंडिया में. जी कि ये ऐसे शोज हैं जैसे आप स्कैम 91 की बात करें तो उसका उसका कंजम्पशन या ऐसा नहीं है कि टियर वन सिटी में ही है यू नो, या एक पर्टिकुलर इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस का है, या वो ऐसा शो है कि आप सिर्फ अकेले बैठ के देख सकते हैं. उस प्लेटफॉर्म ने कंसिस्टेंटली ऐसे शोज दिए हैं जो आप घर पे बैठ के देख सकते हैं, और चाहे वो आप दिल्ली के हैं, चाहे आप कानपुर के हैं, चाहे बिलासपुर के, आपको वो शो कनेक्ट करेगा. तो वो हमारे लिए बहुत सही फिट था एज अ प्लेटफॉर्म, which is great. I think I'm definitely now even more excited after you've shared these little instances. So one last time, can you tell us where the audience can watch the show, when and how excited you are? So really looking forward to the show. Chalo koi baat nahi, will be out on 20th of August on Sony Live, so you can watch it on Sony Live app. चाहे आप उसको टेलीविजन पे देखिए, चाहे अपने फोन पे देखिए, और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा. ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अमित, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय.